चलिए फिर से मैं आपको बताऊंगा ये सवाल कैसे करते हैं। फिर से देखिएगा, भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। किसको? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपका 1/5। अब 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो 1/5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा 1/5 को? तो 1/5 इसके अंश में भी 100 का गुणा करेंगे और हर में भी 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 × 10 5 × 10 जीरो की जीरो, तो ये हो गया 20/100। 20/100 कितना होता भैया आपका? 20%। चलो अगला क्वेश्चन, 1/4। अब 1/4 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? सॉल्व, 1/4 सौ का ऊपर और सौ का नीचे, कितना हो गया भैया? ये 4 से काटो, 4 × 8 बचेंगे 2, 4 × 5 = 20 25/100 मतलब कितना परसेंट है ये? 25% हो गया। अब इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे पास है 2/5, अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा क्वेश्चन? तो देखिए 2/5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, किसमें? प्रतिशत में बदलना है, तो ये सॉल्व 2/5 × 100/100 5 × 10 = 0 2 × 20/100 तो 20 × 40/100 = 40%, ये उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3/4 3/4 × तो 3/4 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, किसको? 3/4 को, तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे क्या करना है? 3/4 × 100/100 तो 3/4 तो 4 से काट दो, 4 × 8 बचेंगे 2, 4 × 5 = 20 है ना, तो ऊपर कितना हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके 3 × 25/100 25 × 75/100 बराबर कितना? 75%। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपका 4/5 है ना, 4/5 को प्रतिशत में बदलना मुझे, तो 4/5 को कैसे बदलूंगा देखिएगा आप, 4/5 गुणित में 100 फिर 100 तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 4 × 20/100 = 40 × 80/100 20 × 80/100 मतलब कितना परसेंट? 80%। ठीक है ना, इसी प्रकार से और ले सकते हैं हम, अब ले लेते हैं हम 3/5 3/5 को मुझे प्रतिशत बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? इसमें 100 का ऊपर भी गुणा कर दो और 100 का नीचे भी, 5 से काट दो, 5 × 10 0 की 0 3 × 20 3 × 20 = 100 20 × 60/100 = 60%, उत्तर आ गया हमारा। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं और दी गई भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है।